आइलैंड साहिबा खुश आमदीद। इस तरह क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या निजात साहब हैं? मुझे मिलना है उनसे। अब निजात साहब हो गया, पहले पुरसकून हो जाओ और गहरे गहरे सांस लो, ठीक है? निजात कहाँ है बुर्जू? वो है तो सही, लेकिन तुम ऐसे जा रही हो जैसे उसकी जान ले लोगी। अभी ये पैसे देने हैं उन्हें। इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? ये पैसे मैंने तहसीन साहब से लिए हैं, ये मैं निजात के मुंह पर मारूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। अब इसके आगे वो जो भी करे, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती बुर्जू। ठीक है मेरी जान, तुम किसी का एहसान नहीं लेती, लेकिन इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? मैं जज्बाती नहीं हो रही, ये सब मैंने याद किया है और इससे मुझे काफी हौसला मिला है, और अब मैं जा रही हूँ ये सब खत्म करने के लिए। सोना, आइलैंड साहिबा। अफ्रीका की ये सारी कहानी मेरी बनाई हुई थी, तुमने बिला वजह ही जहमत की। ये सब माहिरा की खुशी के लिए किया, आइलैंड तो इसमें बस मेरा साथ दे रही है। माफी चाहती हूँ, पता नहीं था तुम यहां मौजूद हो। आइलैंड खुश आमदीद। हाँ, इस बारे में हम बाद में बात करें क्या? बिल्कुल, खुश आमदीद। आइलैंड, मुझे तो लगा आपने हांदे को सब बता दिया होगा। नहीं बताया, मैंने कल कॉल की थी, क्यों नहीं उठाई? आपका नंबर डिलीट कर दिया था इसीलिए नहीं उठाई कॉल, लेकिन आपका नंबर मुझे याद था। ये लीजिए 52,500, बाकी बचे 147,500, वो भी जल्द लौटा दूंगी। आप चाहे तो लिख कर दे सकती हूँ मैं आपको। हाँ सोना, लेकिन एक शर्त है मेरी, मैंने माहिरा से वादा किया था, मैं अपना वादा तोड़कर उसे छोड़ना नहीं चाहती, गुड बाय कहना चाहती हूँ उसे। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए? मैंने कल रात एक लेटर तैयार किया है, इस लेटर में 2 बातें लिखी है मैंने। एक तो ये कि मैं उससे ये कहूं कि मैं एक ज़रूरी काम के लिए जिम्बाब्वे वापस जा रही हूं, और दूसरा ये कि मैं उसे सब सच बता दूं, यही कि मैं उसकी माँ नहीं लेकिन एक बड़ी बहन की तरह मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, और उसके बाद मैं उससे उसकी माँ बनने और झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांग लूँगी। बताएं क्या करूँ? आप जैसा भी चाहेंगे वैसा करूंगी मैं। मैं चाहती थी ये सब कुछ डॉक्टर के दिखाने के बाद होता। तुमने अपनी मां को कब खोया? जब मैं 3 साल की थी। माहिरा इस वक्त घर पर है, अगर चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। तो फिर क्या बताऊं मैं उसे? मुझे लगता है उसे सच बता देना चाहिए, क्योंकि माहिरा एक बहादुर लड़की है, उसे सच जानने का पूरा हक है। मैं भी यही सोच रहा हूं। तो फिर ठीक है, मैं अपना मुंह धो लूं जाके, फिर बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ।